नाम से। वालेकुम सलाम, बहुत देर लगा दी तुमने। चलो आओ अंदर, कुछ पता चला? जी साईं, सब पता लगा लिया मैंने। भावलपुर का अता पता, जायदाद, खानदान, पुरखों की शानो शौकत, सब कुछ साईं। जबरदस्त, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। ये लड़की किस खानदान की है? साईं बहुत बड़े लोग हैं साईं, गद्दी नशीन, पीर, नवाब लोग हैं साईं। पूरे इलाके में इनकी बड़ी असर रसूख है, बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं लोग इनकी। इस सब के अलावा भी उस लड़की में कुछ तो खास है जो उसका ख्याल दिल से जा ही नहीं रहा। साईं, मेरे लिए क्या हुक्म है साईं? ईसा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, इनाम तो बनता है अब। अरे साईं, आपके ऊपर मेरे माँ बाप, मेरी सात नस्लें कुर्बान है साईं। अब ये इनाम का कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। रखो ईसा। अरे साईं, जो हुक्म साईं। और कुछ पता चला? ये मेहमान कब वापस जाएंगे अपने घरों को? ये तकरीब कब खत्म होगी शादी की? जी मैंने पता किया, कल मेहंदी की तकरीब है लड़की की। मेरा ख्याल है 2-4 दिन में शादी से फारिग हो जाएंगे सर। 2-4 दिन? आपका क्या इरादा है साईं? जब तक वो लड़की शहर में है, जाने को दिल नहीं मानता है। 1-2 दिन और देख लेते हैं, माँ जी को मनाना पड़ेगा बस। जैसा हुक्म साईं। अच्छा साईं, अल्लाह हाफिज। हुस्न अगर वसीला हो तो जान ले लेता है, सितमगर अगर सितम ना करे तो उसे सितमगर को।